सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस ट्रेडिंग जोन पर। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं और ये स्ट्रेटजी एक इंट्राडे स्ट्रेटजी भी होने वाली है और एक बीटीएसटी स्ट्रेटजी भी होने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसको इंट्राडे में कैसे करना है और अगर आप लोग चाहें तो इसको बीटीएसटी में भी किस तरीके से कर सकते हैं। एंड साथ साथ में मैं आप लोग को इसके एडजस्टमेंट भी बताऊंगा कि आप लोग को किस तरीके से समय पड़ने पर एडजस्टमेंट करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस स्ट्रेटजी को कब बनाना है, कितने टाइम के लिए बनाना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो उसको शेयर भी कर सकते हो ताकि हमारी कम्युनिटी और बड़ी बन सके, ठीक है। एंड अगर आप मेरे इस चैनल पे कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि वो आगे आने वाले वीडियोस को भी बेनिफिट उठा सके। एंड अगर किसी ने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर ले, वहां पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स भी डालता रहता हूं और वहां पर मार्केट पर रेगुलर अपडेट्स भी होती रहती है तो उससे भी आपको काफी सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एंड एंड में मैं आप लोग को हमारा एक्सपायरी बेस इंट्राडे सेटअप का बैक टेस्ट दिखाना चाहूंगा क्योंकि जैसा कि मेरे पास काफी सारे लोगों को कमेंट आता था कि सर आपका अगस्त मंथ हाफ निकल चुका है तो अगस्त मंथ में आपका कितना रिटर्न बना, तो एक बार मैं आप लोग को पूरा सेटअप समझा देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये सेटअप है क्या। तो ये एक एक्सपायरी बेस्ड इंट्राडे सेटअप है। इस सेटअप को हम लोग चार इंडेक्सेस में करते हैं, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स। जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस इंडेक्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये जो आप लोग पूरा बैक टेस्ट देख रहे हो, इस बैक टेस्ट को रेडी करने के लिए हमने 5 लाख रुपीज का कैपिटल यूज किया है। बट अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस सेटअप को ज्वाइन करने के लिए तो उसके लिए सिर्फ आप लोग को 70-80,000 रुपीज की कैपिटल की नीड होगी। अगर आप लोग के पास 70-80,000 रुपए भी हैं तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका पर डे का परफॉर्मेंस मिल जाएगा कि आपने किस दिन कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। 2 जनवरी को इस सेटअप को यूज करके हमने 5,000 रुपीज का प्रॉफिट किया, 3 जनवरी को हमने 7,600 रुपीज का प्रॉफिट किया, 19 जनवरी को लगभग हमने 6,000 रुपीज का प्रॉफिट किया। तो इस तरीके से आपको पर डे का परफॉर्मेंस मिल जाएगा कि किस दिन आपने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस सेटअप को यूज करके हमने मंथली बेसिस पे कितना परसेंट रिटर्न जनरेट किया है। जनवरी मंथ में हमने 5 लाख की कैपिटल को यूज करके 12% का प्रॉफिट किया, अपनी कैपिटल के ऊपर 62,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया। फरवरी में हमने 10.5% का प्रॉफिट किया, मार्च में 9% का प्रॉफिट जनरेट किया, अप्रैल में 11% का प्रॉफिट जनरेट किया, मई मंथ हमारा सबसे अच्छा गया जिसमें हमने 14% का प्रॉफिट जनरेट किया, जून में 9% का प्रॉफिट जनरेट किया, जुलाई में भी हमने 9% का प्रॉफिट जनरेट किया एंड अभी जो हमारा अगस्त मंथ चल रहा है उसमें हम लोग 6% का प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। एंड आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब 15 अगस्त है, यानी कि अभी सिर्फ आधा महीना हुआ अगस्त का और उसमें भी हमने 6% का अपना रिटर्न जनरेट कर लिया है। तो जो हमारा मंथली बेसिस पे टारगेट होता है कि 8-10% का रिटर्न जनरेट कर सके इस सेटअप को यूज करके तो वो इजीली अचीव हो जाएगा क्योंकि हमने आधे महीने में ही अपना 6% का रिटर्न जनरेट कर लिया है। तो ये पूरा बैक टेस्ट है हमारा एक्सपायरी बेस इंट्राडे सेटअप का। अब अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस सेटअप को ज्वाइन करने के लिए तो वो हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, वहां से आप लोग हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो और इस सेटअप की डिटेल्स ले सकते हो। ये सेटअप एक पेड सेटअप है, इसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, इसकी फीस सिर्फ वन टाइम होने वाली है, वन टाइम फीस होगी, उसको पे करने के बाद आप लोग हमसे सेटअप ले सकते हो और उसको यूज करके आप लोग इजिली बेसिस पे 8-10% का कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है। सो गाइस, अब चलते हैं हमारी आज की स्ट्रेटजी की तरफ और देखते हैं कि जो हमारी आज की स्ट्रेटजी होने वाली है उसको किस तरीके से बनाना है। तो स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम लोग इस स्ट्रेटजी के कुछ सिंपल रूल्स समझ लेते हैं। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है वो बैंक निफ्टी, इंट्राडे एंड बीटीएसटी स्ट्रेटजी होने वाली है क्योंकि इस स्ट्रेटजी को हम लोग इंट्राडे के लिए भी देखने वाले हैं और बीटीएसटी के लिए भी देखने वाले हैं कि आपको इंट्राडे में कैसे करना और बीटीएसटी में कैसे करना है। इसलिए वीडियो एंड तक देखना ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको कि इसको आप लोग को इंट्राडे और बीटीएसटी में किस तरीके से करना है। इंस्ट्रूमेंट क्या होने वाला है स्ट्रेटजी में हमारा, तो इंस्ट्रूमेंट होगा हमारा बैंक निफ्टी। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग को इस स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी में कैसे बनाना है। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को निफ्टी में किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग इस स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी में किस तरीके से बना सकते हैं। मार्जिन कितना लगने वाला है स्ट्रेटजी में, तो मार्जिन लगेगा लगभग आपको 150K, यानी कि 1,50,000 रुपीज की नीड होगी आप लोग को इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। एंट्री टाइमिंग क्या होने वाला है स्ट्रेटजी में, तो एंट्री टाइमिंग होगा हमारे ट्यूजडे को 3:15 PM। लेकिन ट्यूजडे को कब डालेंगे, जब हम लोग ये स्ट्रेटजी बीटीएसटी के लिए करने वाले हैं। तो अगर हम लोग इसको इंट्राडे में करेंगे तो वेडनेसडे को 9:45 AM पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अभी जब हम लोग इसको स्टॉक मार्केट में समझेंगे तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जिट टाइमिंग क्या होने वाला है स्ट्रेट में हमारा, तो एग्जिट टाइमिंग हमारा सेम होने वाला है इंट्राडे और बीटीएसटी दोनों में, वेडनेसडे को 2-3 PM के बीच में आपको अपना ट्रेड क्लोज कर देना है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा स्ट्रेटजी में, तो स्टॉप लॉस रखने वाले हम लोग फ्लैट 1500 रुपीज के आसपास, ठीक है।
टारगेट क्या होगा इस स्ट्रेटजी में हम लोग का, तो टारगेट होने वाला है 3-5% का रिटर्न जनरेट कर सके इस स्ट्रेटजी को यूज करके। 3-5% का रिटर्न काफी अच्छा होता है। अगर किसी को भी 3-5% का रिटर्न कम लगता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकता है, वहां पर मैंने 3-5% की कंपाउंडिंग शो करी है कि अगर आप लोग मंथली बेसिस पे 3-5% का भी रिटर्न जनरेट करते हो तो आप लोग ओवरऑल कितना अच्छा रिटर्न जनरेट करने वाले हो एनुअल बेसिस पे। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड कितना होने वाला है स्ट्रेटजी में, तो रिस्क रिवॉर्ड होने वाला है 1:2 के आसपास, यानी कि अगर हम लोग का 1500 रुपीज का रिस्क है तो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 3000 रुपीज के आसपास होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं स्टॉक मॉक में और देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से बनाना है। तो अब मैं अपने स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूं। अब यहां पर आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को अपना इंडेक्स सेलेक्ट करना है जिस भी इंडेक्स में आप लोग अपनी स्ट्रेटजी को बैकटेस्ट करने चाहते हो। तो आज हम लोग किस इंडेक्स में करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी में। तो यहां पर मैंने बैंक निफ्टी का इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है हम लोग को, पहले हम लोग इस स्ट्रेटजी को बीटीएसटी पे देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि इसको हम लोग को इंट्राडे में किस तरीके से करना है। तो अगर हम लोग इसको बीटीएससी करेंगे तो हम लोग को कब डालना है अपना ट्रेड, ट्यूजडे को। टाइमिंग क्या हुआ ट्रेड को डालने के लिए, 3:15 के आसपास। तो यहाँ पर मैंने टाइमिंग लिखी 3:15 के आसपास। अब ट्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है कि आपका इंडेक्स का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। तो आज के केस में मेरा इंडेक्स का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 49,727 के आसपास मेरा स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो मेरा एटीएम प्राइस क्या हो जाता है, 49,700। नाउ आपका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपको जहां पर भी आपका इंडेक्स का स्पॉट प्राइस चल रहा है वहां से 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट सिंपली बाय कर लेना है। तो यहां पर मेरा 49,700 एटीएम हो गया, यहां से 200 पॉइंट्स पुट साइड पे कितना होता है 49,500, तो उसका एक पुट ऑप्शन मैंने बाय किया। कॉल साइड पे कितना होता है 49,900, तो यहां पर मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया 49,900 का और मेरी हाफ स्ट्रेटजी यहां पर बनकर रेडी हो गई। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्या करना है आपको, जहां पर भी आपका एटीएम चल रहा है वहां से 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट सिंपली बाय कर लेना है। नाउ सिंपली आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जहां पर भी आपने बाइंग करी, यानी कि आपने जो 49,500 का पुट 146 पे बाय किया, नाउ अब आपको ऐसे 3 लॉट सेल करना है जिसका ओवरऑल प्रीमियम आपके बाय के प्रीमियम के आसपास आना चाहिए। तो ये आपको सिंपली रूल क्या है, यहाँ पर जो भी आपने प्रीमियम बाय किया उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो और वो जो भी प्रीमियम आ रहा है उसके 3 लॉट सेल कर दीजिए। तो पुट साइड पे कितना रहा है 146, 48 के अगर मैं 3 बेचता हूँ तो लगभग 146 के आसपास आता है। कितने लॉट बेचने हैं मुझे, 3 लॉट बेचने हैं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस निकल गया 48,900, तो इसके मैंने 3 लॉट सेल कर दिए। सेम चीज मुझे कॉल साइड पे भी करनी है, 200 रुपए के आसपास मैंने बाय किया तो मुझे ऐसे 3 लॉट बेचने हैं जिसका ओवरऑल प्रीमियम कितना आ जाए 200 के आसपास आ जाए और मेरी हाफ स्ट्रेटजी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। अब इसको एक बार मैं जूम कर देता हूँ और हम लोग देखते हैं कि इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया कि आपको स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बाकी चीजें देख लेते हैं कि एस्टिमेट मार्जिन कितना लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट कितना सकता है, प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है कि नहीं, ये सारी चीजें एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो एस्टिमेट मार्जिन कितना बता रहा है आप लोग को स्ट्रेटजी में, 2.42 के आसपास, यानी कि 2,42,000 रुपीज की नीड होगी अभी जब आप लोग ये स्ट्रेटजी बना रहे हो। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बताया था कि इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए आप लोग को सिर्फ 1.5 लाख रुपीज की नीड होने वाली है। तो मार्जिन रिड्यूस करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, दूर के कॉल और पुट बाय करना है जिसका भी प्रीमियम 2-3 रुपए के आसपास चल रहा होगा, सिंपली आप लोग को उसको बाय कर लेना है। एंड जो सेम काम आपका 2.42 के आसपास हो रहा है वो सिंपली आपका 1.5 लाख रुपीज के आसपास हो जाएगा। तो आपको 3-3 लॉट बाय कर लेना, जहां पर भी 2-3 रुपए के आसपास का प्रीमियम चल रहा हो उसको सिंपली बाय कर लेना और सेम काम आपका 1.5 लाख रुपीज के आसपास आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो एस्टिमेट मार्जिन कितना लग रहा है, 1.5 लाख रुपीस के आसपास लग रहा है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से चाहो तो अपना मार्जिन रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, लगभग 54% के आसपास होने वाले। ठीक है, अब सिंपली हम लोग स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें एडजस्टमेंट कब करना है और एडजस्टमेंट कितने बजे करना है। उससे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस टारगेट क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लैट 1500 रुपीज का स्टॉप लॉस होने वाला है, वो 1500 रुपीज कैसे निकाला, जो भी आपका कैपिटल यूज हो रहा है उसका 1% का आप लोग को यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है। एंड टारगेट क्या होने वाला है, जस्ट उससे डबल, यानी कि अगर आप लोग 1500 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं तो आपका टारगेट कितना हो जाता है 3000 रुपीज के आसपास हो जाता है। इनकेस दोनों ही चीजें नहीं होती है तो आपको 2-3 बजे तक यहाँ पर होल्ड करना है। अगर आपको ग्रीन में कभी भी 3000 रुपीज दिखते हैं तो समझना है आपको कि मेरा टारगेट हिट हो गया और आपको वहां से एग्जिट कर जाना है। सेम चीज अगर आपको रेड में 1500 रुपीज दिखता है तो आपको समझना है कि मेरा एसएल चला गया, वहां से आप लोग को एग्जिट कर जाना है, अदरवाइज हम लोग 2-3 बजे तक होल्ड करने वाले। ठीक है, आई होप कि आप लोग को पूरा सिनेरियो समझ में आ गया कि आप लोग को किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से स्टॉप लॉस निकालना है, किस तरीके से टारगेट निकालना है। अब सिंपली हम लोग स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि लास्ट वीक इस स्ट्रेटजी हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस जनरेट करके दिया था। मैं 15 मिनट से इसको आगे करता हूं। नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहां पर हमें 560 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। नाउ यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने लायक है कि यहाँ पर आपका जो मार्केट गैप अप हुआ है वो लगभग 538 पॉइंट्स का गैप अप हुआ है, यानी कि 1% से ज्यादा का गैप अप हुआ है।
तो काफी सारे लोगों का कमेंट होता है कि सर अगर 1% से ज्यादा का अगर गैप अप या गैप डाउन हो गया तो उस केस में हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग के सामने है सारी चीजें कि आप लोग को ऐसे केसेस में भी बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप ग्रीन में ही रहने वाले हो, और अगर लॉस होगा भी तो बहुत मिनिमम से मिनिमम होने वाला है। ठीक है, नाउ आई होप कि आप लोग का ये वाला जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। अब सिंपली इसको और आगे करते हैं हम लोग 15 मिनट से 9:30 बजे के आसपास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है हमें यहाँ पर, लगभग लगभग 1200 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 9:45 के आसपास कितना प्रॉफिट हो रहा है, लगभग लगभग 1200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 10 बजे के आसपास कितना हो रहा है, 1000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट आप लोग को यहाँ पर हो रहा है। नाउ जो आप लोग को एडजस्टमेंट करना है बीटीएससी के लिए वो आपको 10 बजे ही करना है। अब एडजस्टमेंट क्या है ये थोड़ा ध्यान समझना। सबसे पहले आपको देखना है कि जब आपने स्ट्रेटजी बनाई थी वहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया या नीचे की तरफ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि जब हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वहां से मार्केट ऊपर की तरफ है, तो हम लोग को सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो हमारा पुट साइड है हमें सिंपली उसको स्क्वायर ऑफ करना है। तो मैं सारे स्ट्राइक प्राइसेस जो पुट साइड पे थे उसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले ये पुट साइड पे था, ये भी पुट साइड पे था एंड ये भी पुट साइड पे था, तो मैंने अपना पुट साइड यहाँ पर पूरा स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, अब आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। नाउ अब हमें एक जो एडजस्टमेंट करना है वो किस तरीके से करना है, सिंपली आपको देखना है कि आपका डाउन साइड की तरफ ब्रेक इवन क्या है। तो यहाँ पर मेरा डाउन साइड पे ब्रेक इवन क्या है, 49,900 के आसपास मेरा ब्रेक इवन दिखा रहा है। वहां से मुझे 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है पुट साइड पे और एक कैलेंडर स्प्रेड बना देना है। ठीक है, तो मेरा 100 पॉइंट अगर आउट ऑफ द मनी जाता हूँ तो क्या स्ट्राइक प्राइस आता है, 49,800, इसको मैं सेल करूंगा एंड नेक्स्ट वीक सिंपली मैं इसको बाय कर लूंगा और मेरी बेसिक स्ट्रेटजी बनके रेडी हो जाएगी। लेकिन जो मैं कैलेंडर स्प्रेड बना रहा हूँ उसको मुझे दो दो लॉट पे करना है। ठीक है, और मेरी पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी और इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। इसको मैं एक बार जूम कर देता हूँ, इस तरीके से कुछ आप लोग का पे ऑफ ग्राफ दिखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से आपको दोनों साइड पे 1-1% की रेंज मिल जाती है कि यहाँ से अगर मार्केट 1% अपसाइड या 1% डाउनसाइड भी जाता है, इसके बीच में भी रहता है, तो आपको उस केस में प्रॉफिट होने वाला है। उससे बाहर जाएगा तभी आपको लॉस होने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग की, अब आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लगभग लगभग 76% के आसपास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो गई है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है। अब सिंपली हम लोग इसको बैक टेस्ट करते हैं, 15 मिनट से आगे बढ़ाते हैं, 10:15 में लगभग लगभग 250 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 10:30 बजे के आसपास 394 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 10:45 के आसपास 336 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 11 बजे के आसपास 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 11:15 के आसपास लगभग लगभग 700 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 11:45 के आसपास 839 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 12:15 पे 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 12:45 पे 1600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 115 में 1500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 145 पे लगभग लगभग आपको यहाँ पर 1800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। एंड जब आपको अपना ट्रेड क्लोज करना है उस केस में आपको 2000 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब 2 से 3 बजे के बीच में आप लोग कभी भी ट्रेड अपना एग्जिट कर सकते हो। अगर आप लोग 2 बजे एग्जिट करोगे तो आपका रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है और रिवॉर्ड भी थोड़ा कम हो जाता है। 3 बजे एग्जिट करोगे तो आपका रिस्क भी बढ़ता है थोड़ा सा एंड रिवॉर्ड भी बढ़ता है। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आप लोग 2 बजे एग्जिट करना चाहते हो या 3 बजे एग्जिट करना चाहते हो। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को इस स्ट्रेटजी को बीटीएससी में किस तरीके से बनाना है। नाउ अब हम लोग सेम स्ट्रेटजी को सेम डे पर देखते हैं कि हमें इंट्राडे में इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक बार सिमुलेट करता हूँ, डेट कौन सा था हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, 6 तारीख को, क्योंकि हमने बीटीएससी भी किया था एंड अब हम लोग इसको इंट्राडे भी करने वाले हैं, तो हम लोग वेडनेसडे को ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एंड जब हम लोग ट्रेड इंट्राडे के लिए करने वाले हैं वेडनेसडे के दिन, तब आप जो एंट्री टाइमिंग होगा वो लगभग लगभग 9:45 के आसपास होने वाला है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना कि आपका जो इंट्राडे के लिए ट्रेड टाइमिंग होने वाला है 9:45 के आसपास होने वाला है। ठीक, अब ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, सेम चीज देखनी है आपको, सबसे पहले स्पॉट प्राइस देखना है, आपका स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 50,000 रुपीज के आसपास यहाँ पर मेरा स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल साइड पे भी जाना है, 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पुट साइड पे भी जाना है। तो यहाँ पर मैंने स्पॉट प्राइस से 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल और 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पुट दोनों ही सिंपली बाय कर लिया। सेम चीज करेंगे हम लोग, 3-3 लॉट सेल करेंगे, ऐसे सेल करेंगे जिसका ओवरऑल प्रीमियम हमारे बाय के प्रीमियम के आसपास होना चाहिए। तो 40 रुपीज वाला है मैं पुट साइड पे सेल करूंगा, सेम चीज मैं कॉल साइड पे करूंगा, 30 रुपीज के आसपास वाला मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। कितने कितने लॉट सेल करूंगा मैं, 3-3 लॉट यहाँ पर मुझे सेल करने और मेरी आधी स्ट्रेटजी वहां पर बनकर रेडी हो जाएगी। इसका पे ऑफ ग्राफ किस तरीके से दिखने वाला है एक बार हम लोग उसको जूम कर लेते हैं। इसका पे ऑफ ग्राफ सेम उसी तरीके से यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बेसिक चीजें देख लेते हैं, मार्जिन कितना लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। एस्टिमेट मार्जिन 2.5 लाख रुपीज बता रहा है, लेकिन मैंने आप लोग को बताया हुआ कि आप लोग को मार्जिन किस तरीके से रिड्यूस करना है, तो उसको यूज करके आप लोग मार्जिन रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी बता रही है, लगभग लगभग 60% के आसपास चांसेस है कि इस स्ट्रेटजी में आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा स्ट्रेटजी में, 1500 रुपीज के आसपास
टारगेट क्या होगा 3000 रुपीज के आसपास। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक इंट्राडे के लिए सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। अब इंट्राडे के लिए जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगा वो लगभग लगभग 10:30 बजे के आसपास होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मार्केट ओपन होने के हाफ एंड आवर बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आधा घंटा हम लोग देखेंगे मार्केट क्या डायरेक्शन ले रहा है, उसके बाद हम लोग अपना एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो जो हमारा एडजस्टमेंट टाइमिंग होगा वो लगभग लगभग 10:30 बजे के आसपास अपने ट्रेड को एडजस्ट करना है। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो यहाँ पर मैं 15 मिनट्स आगे कर रहा हूँ, 10 बजे के आसपास 200 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, 10:15 के आसपास यहाँ पर आपको 12 कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर आपको 600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और आपको 10:30 बजे एक एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट हमारा सेम होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस साइड गया, पुट साइड पे गया है, तो हम लोग को कॉल साइड की कोई जरूरत नहीं, तो हम लोग अपना कॉल साइड स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, सेम चीज देखेंगे हम लोग का ब्रेक इवन क्या है कॉल साइड के लिए। तो यहाँ पर बता रहा है 50,000 रुपीज के आसपास हमारा ब्रेक इवन आ रहा है, तो 50,100 का कॉल साइड पे हम लोग कैलेंडर बनाएंगे। कितने कितने लॉट पे बनाएंगे इसको, दो दो लॉट पे हम लोग को अपना कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। ठीक है, और हमारा जो एडजस्टमेंट रेडी हो गया है। ठीक है, अब आपका पे ऑफ पूरा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। टूल्स हमारे सेम है, 1500 रुपीज का रेड में दिखेगा तो हम लोग को स्टॉप लॉस समझना है, 3000 रुपीज दिखेगा ग्रीन में तो हमें अपना टारगेट समझना है, अदरवाइज इसको 2 से 3 बजे के बीच में हमें होल्ड करना है। ठीक है, 11 बजे के आसपास 800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 11:30 बजे के आसपास 661 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 12 बजे के आसपास 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 12:30 बजे के आसपास 1300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 बजे के आसपास 1800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1:30 में लगभग लगभग 1800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। एंड जब आपको अपना ट्रेड क्लोज करना है उस केस में आपको 2300 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब आप लोग चाहो तो इसको बुक कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग चाहो तो इसको 3 PM तक भी इसको होल्ड कर सकते हो। 2:30 बजे के आसपास 2255 का प्रॉफिट हो रहा है, एंड जब आप मैक्स टाइम तक अगर इसको होल्ड करते हो उस केस में आपको 3000 रुपीज का यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा रियल टारगेट होने वाला है। बट अगर आप लोग उसको 3 बजे तक होल्ड करोगे तो थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ता है और थोड़ा सा रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप लोग उसको 2 बजे एग्जिट करना चाहते हो या 3 बजे तक एग्जिट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करने वाली है। ठीक है, जितना देर तक इसको रखोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, जितना कम देर रखोगे उतना कम रिस्क भी होगा, उतना ही कम प्रॉफिट भी होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसके सभी रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी डाउट रह रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, वहां पर जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड एंड में मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है हमारा इंट्राडे सेटअप बाय करने के लिए तो हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, वहां से आप लोग हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो एंड इसकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोग ले सकते हैं। ये सेटअप एक पेड सेटअप है, इसका फीस सिर्फ 1 टाइम होने वाला है, उसको पे करके आप लोग इजिली 8-10% का कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोग को आज की स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी और इस स्ट्रेटजी का लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट स्ट्रेटजी में किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।